हाय डियर, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फेजर कर्व्स। दिस इज़ लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैमरा क्या होता है, किस तरह हम कैमरे को यूज़ करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हम कैमरे के ऊपर लगा सकते हैं, कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो हम कैमरे के ऊपर लगा सकते हैं, और डिफरेंट कैमराज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं किसी एक सीन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कैमरा? ठीक है, आपकी गेम का जो भी व्यू है, जो आपको नज़र आ रहा है, इट्स कंट्रोलिंग बाय अ एंटिटी विच इज़ कॉल्ड कैमरा। ठीक है, सो जो भी आपका जो व्यू है, जो सारा कंट्रोल हो रहा है, वो किसी ना किसी एंटिटी की हेल्प से हो रहा है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैमरे की है। ठीक है, सो कौन से आइटम्स को शो करवाना है, किसको शो नहीं करवाना। ठीक है, सो कैमरे के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह लगा सकते हैं, मूव कर सकते हैं कैमरे को, जूम कर सकते हैं, रोटेट वगैरह कर सकते हैं, किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे काम हम कैमरे के थ्रू कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, के हमारे पास गेम है, तो इसमें जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैमरे के अंदर रेंडर हो रही हैं। ठीक है, तो कैमरे के थ्रू रेंडर हो रही हैं। ओके, सो अगर किसी चीज़ को हम हाइड करना चाहते हैं तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं कैमरे के अंदर। ठीक है, तो वो कैमरा क्या करेगा, उस चीज़ को विजिबल नहीं करेगा। सो लेट्स सी इन द कोड हाउ वी कैन डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास कोड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जिसमें हमने देखा था सीन्स के बारे में, किस तरह हम डिफरेंट सीन्स बनाते हैं और उन सीन्स में स्विचेस किस तरह करते हैं एक सीन से दूसरे सीन में, और उसके बाद स्टेट्स वगैरह को किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली हम कैमरा को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो भी सीन होगा ना, उसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट एक मेन कैमरा एडिट होगा। ठीक है, मेन कैमरा जो है वो सारे काम कर रहा होगा। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे देखें, तो जो भी चीज़ें अभी करंटली तौर पर रेंडर हो रही हैं वो मेन कैमरे के थ्रू रेंडर हो रही हैं। ठीक है, सो मैं करूँगा दिस डॉट कैमराज। ठीक है, डॉट मेन हम ऐड भी कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे ऐड किस तरह कर सकते हैं बाद में, पहले हम देखते हैं मेन डॉट। अब इसके ऊपर हम काफ़ी जो है ना वो ऑपरेशन वगैरह लगा सकते हैं, इसके एक्सपोजिशन वाई पोजिशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, फ्लश इफेक्ट्स जिस तरह मैं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लश 500। ठीक है, और इसके बाद इसका कलर बता दूंगा कौन सा कलर, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं बताएंगे तो वो क्या होगा, वाइट कलर होगा। ठीक है, सो अब मैंने फ्लश बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं इसको प्ले करूँ तो रेड कलर का जो है ना फ्लश जो है वो शो होता है। ठीक है, इसी तरह सेम हमारे पास होता है फेड इफेक्ट। फेड ये है कि जब भी ये चीज़ हम फेड काल करेंगे तो वो क्या करेगा, स्क्रीन को विजिबल पहले वो क्या करेगा, ये कलर शो करवाएगा, इस कलर से फिर उसको विजिबल कर देगा, फिर उसको विजिबिलिटी से दोबारा इस कलर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, सो अगर हम फेड इन यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ विजिबल तक जाएगा। ठीक है, सो क्या होता है, इसमें पहले कलर होता है, कलर से वो फिर कलर शो करवा देता है, फिर वो क्या करता है, उसको विजिबल कर देता है, जो हमारा सीन होता है उसको क्या करता है, विजिबल कर देता है, फिर उसको क्या करता है, कलर शो करवा देता है। ठीक है, सो अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, सो अब अगर इसको मैं करूँ, ठीक है, अगर मैं करूँ फेड इन, ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर दूँ, फेड इन में क्या होगा, वो पहले कलर शो करवाएगा, उसके बाद विजिबल करेगा, और ये एंड वाला कलर शो नहीं करवाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंड पे कलर शो करवा देता है, तो इसमें एंड पे कलर नहीं शो करवाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विजिबिलिटी से कलर की तरफ जाएगा, यानी अगर कोई सीन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हम फेड इन एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई सीन एंड हो रहा है तो फिर उधर हम फेड आउट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह अगर हम इसको हाइड कर दें, तो ये वाली एनिमेशन अगर हम प्ले करें, तो अब क्या, वो पहले विजिबल था, तो विजिबिलिटी से वो रेड कलर की तरफ चले गए। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इफेक्ट होता है दिस डॉट कैमराज डॉट मेन फ्लश शेक का, जो है फ्लश का तो मैंने देख लिया, अब हमारे पास क्या होता है, एक शेक का इफेक्ट होता है। शेक क्या होता है, कैमरे को कितनी देर आपने हिलाना है। ठीक है, सो इसकी आप इंटेंसिटी बता देते हैं, कितनी पावर के साथ इसको हिलाना है। ठीक है, सो ये वाला इफेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, जिधर प्लेयर कोई हिट कर रहा है या प्लेयर को डैमेज कोई पहुँच रहा है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम शेक के इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दिस डॉट कैमराज डॉट मेन डॉट सेट व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट क्या होता है कि हम बता सकते हैं कि कितना स्क्रीन आपने जो है ना वो शो करवानी है। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ 0x400x400। ठीक है, अभी तो वो इन्फिनिटी है ना व्यू पोर्ट। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें शो करवाएगा, लेकिन अभी मैंने जब उसको 400 सेट कर दिया, जो 400 से बाहर जाएंगी चीज़ें उनको वो शो नहीं करवाएगा। ठीक है, सो जिस तरह ये बर्ड है वो बाहर जा रहा है, तो उसको वो शो नहीं करवाएगा।
ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गया हमारे पास एक कैमरा। अब अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इस कैमरे के अंदर हम उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहूँ, कैमरास डॉट मेन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड सेट हो जाएगा। हमें पता लग रहा है कि ये इतना कैमरा जो है वो कैमरा हमारा मेन कैमरा है, ठीक है। सो अब अगर मैं ये चाहूँ कि अब मैं एक और कैमरा ऐड कर दूँ, ठीक है। सो मैं कहता हूँ लेट अनदर कैमरा, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस डॉट कैमराज डॉट एंड, ठीक है। अब इसको हमने बता देना है कि इसका व्यू पोर्ट क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ 400x0, 400x400, ठीक है। सो अब अगर हम इधर जाएं तो क्या हो रहा है, अब ये कैमरा उसी सीन को जो हमारा ये वाला सीन है उसी को शो करवा रहा है, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ और हाइट है वो डिफरेंट है और व्यू पोर्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो इसको हम इसका भी हम कलर असाइन कर सकते हैं, गेट अनदर कैम डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो इधर हम डिफरेंट कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो है वो कलर इधर शो हो गया, ठीक है। सो उसके बाद अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स यानी जो मेरा मेन सीन है उसमें से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बर्ड को हाइड करना चाहता हूँ और इस जगह पे मैं प्लेयर को हाइड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिस डॉट कैमराज डॉट मेन डॉट इग्नोर, ठीक है। यानी कौन से ऑब्जेक्ट्स को आप इग्नोर करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि बर्ड जो है दिस डॉट बर्ड जो है वो हाइड हो जाए, ठीक है। अब वो बर्ड जो है वो मुझे विजिबल नहीं होगा, आई थिंक ये दिस डॉट बर्ड ये माई बर्ड, ठीक है। मुझे माई बर्ड को जो है वो हाइड करना है, ठीक है। सो मैं इसको ख़त्म करके ये वाली चीज़, ठीक हो गया। सो अब क्या हो गया, इस कैमरे के अंदर वो वाला बर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इस जगह पे मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि अनदर कैमरा जो मेरे पास है इसके अंदर इग्नोर हो जाए, क्या चीज़ इग्नोर हो जाए, इसके अंदर दिस डॉट प्लेयर इग्नोर हो जाए, यानी वो प्लेयर ही इस जगह पर विजिबल ना हो, तो वो भी मैं काम कर सकता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि अब इस जगह पर वो प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अच्छा अब इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा है, किस पर्पज़ के लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी मल्टीपल कैमरास क्या हो सकता है इस गेम के ज़रिए, ठीक है। सो एक तो ये हो सकता है कि हम कोई मैप वगैरह अगर हमने बनाना हो अपने कैमरे सीन का, तो वो हम डिफरेंट कैमराज यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा मेन कैमरा होगा, एक हमारा डिफरेंट कैमरा होगा जो मैप शो करवा रहा होगा, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम चाहें कि क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ 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 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक इफेक्ट शो करवाऊँ और कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दूसरा इफेक्ट शो करवाऊँ, ठीक है। सो वो भी काम हम कर सकते हैं। वो किस तरह करना है मैंने कि इसी तरह बस अब हमें क्या करना है, व्यू पोर्ट सेट नहीं करना, ठीक है। इसका व्यू पोर्ट ख़त्म कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। सो इसको फुली जो है ना मैं शो करवा देता हूँ, ठीक है। और इस जगह पे भी ठीक है। अब मेरे पास दो कैमरे शो हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो दोनों कैमरे एक दूसरे के ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है। मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं करना क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला ऑब्जेक्ट तो एक बार रेंडर हो रहा है, एक बार हो रहा है, क्योंकि ये दूसरे सीन में नहीं है, मेन वाले कैमरे में नहीं है, उधर इग्नोर है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेयर वाला है ये भी एक बार रेंडर हो रहा है, लेकिन ये जो नीचे बर्ड्स हैं ये क्या हो रहे हैं, दो दो बार हो रहे हैं रेंडर, ठीक है। सो इस एक मेन कैमरे में भी और दूसरे अनदर कैमरे में भी दोनों में रेंडर हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको एक ही कैमरे में ऐड कर देना है, ठीक है। सो मैं क्या कर दूँगा, दिस डॉट बर्ड, ठीक है, उसके बाद बर्ड टू बर्ड थ्री, ठीक है। अब क्या होंगे, वो सिर्फ एक एक बार रेंडर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो अनदर कैमरा है इसके अंदर सिर्फ मेरे पास प्लेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कोई इफेक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ कि प्लेयर को मैं थोड़ा सा शेक करूँ या प्लेयर के ऊपर मैं कोई फ्लश वगैरह लगाऊँ, ठीक है। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, अनदर कैमरा डॉट फ्लश, ठीक है। सो अब मैं फ्लश वगैरह ऐड करूँ, ठीक है। सो सिंपल वाइट फ्लश ही ऐड कर देते हैं। तब अब देखेंगे कि वो जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनके ऊपर फ्लश ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रिप्ले करूँ, सो जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम मज़ीद क्लियर करना चाहें तो इसके ऊपर हम शेक का इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ जो है वो प्लेयर ही
ओके नहीं सॉरी, इसमें हमने इग्नोर किया है प्लेयर को, प्लेयर को इग्नोर किया है, तो इसका मतलब कि ये प्लेयर के ऊपर नहीं चलेगा, बाकी सब के ऊपर ये चलेगा, ठीक है। तो इसमें तो हमने सारे बर्ड्स इग्नोर कर दिए, तो अब जो अगर हम शेक इफेक्ट लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो प्लेयर के ऊपर नहीं लगेगा, बाकी सब के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहा है क्योंकि वो दूसरे कैमरे में है, और ये वाला ऑब्जेक्ट एक दूसरे कैमरे में है, ठीक है। ये मेन कैमरे में है और ये अनदर कैमरे में है, ठीक है। सो ये काम हम कर सकते हैं। इससे मतलब ये क्या फ़ायदा हमें ये है कि हम डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह का कोई हम काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारे पास, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास इफेक्ट होता है, दिस डॉट कैमराज डॉट मेन डॉट क्या हमारे पास होता है, जूम का इफेक्ट, ठीक है। जूम करना है, अगर मैंने इसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो वो वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ थोड़ा सा जो है ना वो क्या कर दो, जूम कर दो, तो वो क्या होगा, अब सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से करीब आ गए मेरे पास, ठीक है ना। तो ये वाला इफेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद अब हमारे पास जो सबसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हम मोस्टली गेम्स में यूज़ भी करते हैं, लाइक अ प्लेटफॉर्म गेम्स हैं, ठीक है। वो होता है स्टार्ट फॉलो, ठीक है। क्या करता है कि कैमरा जो होता है ना, वो किसी एक करेक्टर को, किसी एक टारगेट को ना वो फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो वो हम किस तरह अचीव करते हैं, दिस डॉट कैमराज डॉट मेन, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है स्टार्ट फॉलो, ठीक है। फॉलो करो किसको, फॉलो करो प्लेयर को फॉलो करो, ठीक है। सो अब अगर हम इधर आए, मैं प्ले करूँ, अब क्या हुआ, ये सेंटर में आ गया क्योंकि वो इसको फॉलो कर रहा है, कैमरा इसको फॉलो कर रहा है। अब मैं अगर इसको मूव करूँ तो क्या हो रहा है, वो प्लेयर जो है आगे मूव हो रहा है और कैमरा भी उसके साथ मूव हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ की अगर क्लियरिटी क्लियर नहीं हो रहा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बीजी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर फॉलो लगा के कुछ नीचे बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वाकई ही प्लेयर आगे को मूव हो रहा है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैमरा भी उसके साथ साथ मूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इधर प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 120, ओके। सो लेट्स सी, सॉरी, इसको हमें एक्स एक्सिस में करना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको अब हम इंक्रीज कर सकते हैं, दिस डॉट गेम डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट हाइट -140, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ग्राउंड टाइप बन गया, ठीक है। अब मैं अगर क्या करूँ, प्लेयर को मूव करूँ तो क्या हो रहा है, प्लेयर मूव हो रहा है, उसके साथ साथ कैमरा भी मूव हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो कैमरा इस साइड पे आना मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास इसी चीज़ से रिलेटेड एक होता है सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स क्या होता है कि कैमरा जो है वो किसी एक रिक्टेंगल या एक एरिए एक विड्थ और हाइट से बाहर ना जाए, ठीक है। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि कैमरा अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे है तो वो इस रिक्टेंगल से जाए, अगर प्लेयर उससे बाहर चले जाए तो वो उसको फॉलो करना छोड़ दे। इसको हम कहते हैं बाउंड्स, लिमिट्स, कि हमने कौन सी लिमिट्स लगानी है अपने कैमरे के ऊपर, ठीक है। तो हम कहते हैं दिस डॉट कैमराज डॉट मेन डॉट सेट बाउंड्स, ठीक है। तो बाउंड्स हम ऐड करेंगे, 0.0 में बाउंड्स ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मुझे बताना है कि इस बाउंड की एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, ठीक है। यानी विड्थ और हाइट क्या होगी, ठीक है। मैं कह देता हूँ 1000 बाय 800, ठीक है। अभी मैं करंटली क्या हूँ, अभी मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, मैं 200 पे पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाऊँगा तो वो मुझे क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर मैं फिर आगे गया, अब मुझे फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। अब मैं उस अब थोड़ा सा अब जब मैं 1000 जो है वो उससे आगे चले गए, अब कैमरा जो है वो फॉलो नहीं करने का, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बाउंस, ठीक है। इसी तरह अगर हम अप एंड डाउन भी चेक करें तो वो भी सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो ये बाउंस होती हैं, जिस तरह हम लिमिट्स लगा देते हैं कि कुछ जब ये ऑब्जेक्ट अगर वो उस लिमिट से बाहर जा रहा है तो कैमरा जो है वो उस लिमिट के अंदर ही रह के उसको फॉलो करे, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम कुछ ऑफसेट भी ऐड कर सकते हैं, यानी प्लेयर को ये अभी करंटली तौर पे वो सेंटर से उसको क्या कर रहा है, सेंटर से उसको फॉलो कर रहा है। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए कैमरा, थोड़ा सा ऊपर मूव हो जाए या थोड़ा सा नीचे मूव हो जाए, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, मेन डॉट सेट ऑफसेट फॉलो, ठीक है, फॉलो ऑफसेट, ठीक है। तो इसका मुझे बताना है कि एक्स में कितना और वाई में कितना मैं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कैमरा थोड़ा सा ऊपर मूव हो जाए, ठीक है। सो थोड़ा सा पहले तो लेफ्ट में मूव हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाए, थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी।
ठीक है, अब क्या होगा, कैमरा थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट एंगल से उसको करेगा जब अगर हम इधर सेंटर में जाएं। ठीक है, सो अब देख सकते हैं क्या हो रहा है कि कैमरा जो है उसको फॉलो तो कर रहा है, लेकिन अब फॉलो लेफ्ट साइड से कितना कर रहा है, 300 से। ठीक है ना, तो ये इस तरह हम अगर इसको बाउंड्स को ख़त्म कर दें तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी फॉलो की बाउंड्स ऑफसेट की। ठीक है, तो अब अगर हम देखें ना, पहले क्या था, अगर मैं बाउंड्स ये ख़त्म कर देता हूँ, ऑफसेट ख़त्म कर देता हूँ, अब क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में होगा प्लेयर कैमरा। ठीक है, कैमरा क्या है, लुकिंग एट दी टारगेट। ठीक है, लेकिन जब मैं उसको कह देता हूँ कि -300। ठीक है, -300 या -100 कह देते हैं, तो वो क्या करेगा, अब थोड़ा सा लेफ्ट में देखेगा उसको। ठीक है, अब लेफ्ट से देखिए, कैमरा थोड़ा सा क्या हो गया, राइट वाली साइड भी हो गया और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड भी हो गया। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से प्लेयर को देख रहा है, बिल्कुल सेंटर से नहीं देख रहा। ठीक है, तो अब अगर मैं मूव भी करूं तो वो हमेशा इसी जगह पे रहेगा, वो उसको फॉलो ही इसी तरह करेगा। ठीक है ना, तो वो इतना ऑफसेट रहेगा। तो ये चीज़ भी हम अपनी गेम्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने अभी काफ़ी कुछ देखा है। ठीक है, यही मोस्टली चीज़ें यूज होती हैं गेम्स के अंदर। इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है कैमरे के बारे में, किस तरह मल्टीपल कैमरास वगैरह बना सकते हैं, चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हम कैमरा के ज़रिए रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, और कैमरे के ऊपर हम कौन कौन से इफेक्ट्स वगैरह, फ्लश वगैरह, शेड वगैरह, कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, फॉलो वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे डिफरेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गेम्स के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन हमें मोस्टली पता नहीं होती, तो जिसकी वजह से गेम जो है वो अच्छी नहीं बनती। ठीक है, सो यही था कैमरा के बारे में सारा कुछ। ठीक है, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।